गोरखनाथ थाने की पुलिस ने भृगुनाथ सिंह के द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जिला अधिकारी के निर्देश पर कुर्क किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि अभियुक्त भृगुनाथ सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी मानस विहार कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाई हुई थी, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। भृगुनाथ सिंह के ऊपर जनपद के विभिन्न थानों पर 17 मुकदमे पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्त की 5000 वर्ग फीट में बना एक टीन सेट कमरा व बाउंड्री वॉल पत्नी नंदा सिंह के नाम से, दूसरी संपत्ति बाउंड्री वॉल व बाउंड्री वॉल के अंदर पत्नी नंदा सिंह व अभियुक्त भृगुनाथ सिंह के नाम से, तीसरे संपत्ति अभियुक्त के पिता बैजनाथ सिंह के नाम से बने मकान को कुर्क किया गया, जिस सभी की कुल लागत 8,25,000 से अधिक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 64/2021 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त भृगुनाथ सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी मानस विहार कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के द्वारा अवैधानिक तरीके से अर्जित संपत्ति को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश द्रोहबंध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत आज दिनांक 23/10/2022 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिनांक 21/10/2022 के तहत जब्त किया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गोरखपुर पुलिस पिछले कई महीनों से लगातार गैंगस्टर के जो स्पेशली अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान चला के कार्य कर रही है। इसी अनुक्रम में आज गोरखपुर पुलिस ने जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के निर्देशानुसार एक बहुत बड़े भूमाफिया एवं जिस व्यक्ति पर हत्या, प्रॉपर्टी फॉर्जरी, मर्डर के दो अभियोग, 7CLA के दो अभियोग, डकैती के, रंगदारी मांगने के और 7CLA के हाउस ट्रेसपास के, बलवा के, इस तरीके के टोटल 17 अभियोग हैं जिस पर पंजीकृत हैं। उस व्यक्ति की 8,25,000 रुपये की प्रॉपर्टी आज सीज की गई है। इसी के अनुक्रम में यह बताना है कि यह व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपने परिवार के अन्य सदस्य एवं अपने भांजे वगैरह के साथ मिलके लोगों में भय व्यापित करता था और किसी भी व्यक्ति की वैध संपत्ति को भय फैलाकर औने पौने दाम पर खरीदने बेचने के लिए मजबूर करता था और नहीं बेचने पर उन लोगों के साथ अपराध कार्य करता था। इस प्रकार आज ये जो प्रॉपर्टी है ये सीज करने के बाद गोरखपुर पुलिस द्वारा एक भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें एक नया आयाम स्थापित किया। यह गैंगस्टर जेल में नहीं है, अभी बाहर है, लेकिन इसकी सभी गतिविधियों पर पुलिस द्वारा लगातार नज़र रखी जा रही है एवं इसका एक भांजा जो कि इसका शूटर था उसका 2020 में, यह भी उल्लेखनीय है कि 2020 में उसकी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इसकी सर्कल रेट के आधार पर एस्टिमेट किया गया है जो कि बाद में जो अगल बगल के घरों और जो बाद में प्रॉपर्टी की जो मार्केट रेट है उसके आधार पर यह मूल्य अंकित किया गया है। थैंक यू।